Da ne pelete bilo kako. Să fie calculul cu nefeste de mula. Și ne-am eu, हमारे जो नुमाइंदे होते थे वहां और यहाँ
ulke zëvesi ismo edeme malki qimat pakistani qism duty taksun ki insurance sab kar li jati TPL company ki tractor machine lagi rehti thi Karachi se lekar Chaman tak hamari custom ke log FBR ke logon ko monitor karte the wo dekhte the ki container kahan hai aur is tarah achhi tijarat ho rahi thi isme jo log mulawis hote the jo kaam karte the bonded carrier ke naam se 2 करोड़ रुपए हर आदमी उस उन आदमियों को इंश्योरेंस के तौर पे जमा कराने पड़ते थे कि अगर रास्ते में कोई नुकसान हुआ तो इनसे लिया जाता। अभी 3 अक्टूबर को हमारे हुकूमत ने तीन अक्टूबर को हमारी हुकूमत ने जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने बातचीत उन पर पाबंदी लगाई हुक्म जारी कर दिया और 3 अक्टूबर को जब वो ये हुक्म जारी कर रहे थे हमारे बहुत से ताजर चीन में जापान में फ्रांस में इंग्लिस्तान में उन चीजों का सौदा करके बेच चुके थे कंटेनर में। इस एक पाबंदी की वजह से अब 3380 कंटेनर कराची की बंदरगाह पर पड़े मतलब 3000 भी बहुत बड़ी तादाद है रिंग दरअसल क्यों फरमा रहे कि 4000 3380 कंटेनर खड़े हैं उन पे रोजाना 160 से लेकर 180 रुपए खास वो लगा हुआ है। अभी जब आप यहाँ एक हुक्म देते हैं कि फलानी फलानी चीजों पे पाबंदी है हमारी तजवीज ये होगी और सही तरीका ये भी है जिन चीजों पे आप पाबंदी लगाना चाहते हैं ताजर हजरात वहां होते हैं वो वहां खरीदारी करते हैं बेचते हैं हमारे वायरों की तरफ हमारे समुद्र की तरफ कम से कम 2 महीने पहले ऐलान होना चाहिए भाई फलानी चीज मत लो तो ताजर जब वहां जाएगा वहां उन्होंने खरीदारी कर दिया फिर 3 अक्टूबर को ऐलान कर दिया अब 3000 से ऊपर 4000 कंटेनर हमारी गोदियों पे खड़े हैं पता नहीं कि वो कितने के चार्जेस होंगे। हम तजवीज देते हैं कि इन लोगों को छोड़ लिया जाए जिन जिनकी है कम से कम 3 अक्टूबर का ये हुक्म उन कंटेनर्स पे नहीं अप्लाई होना चाहिए जो समुद्रों में थे वहां खरीदी जा चुकी थी चले आए थे। हमारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के बहुत सारे ग्रुप हैं उनसे पूछा जाए उनको उसमें इत्मीनान में लिया जाए जिन चीजों पे 18 साल पहले हमने 17 चीजों पे पाबंदी लगाई थी वो सारी चीजें जहाजों के जरिए दुबई पहुंचती हैं और फिर वहीं से स्मगल के यहां आती है वो स्मगलिंग नहीं रुकती। जिन चीजों पे हम यहाँ पाबंदी लगाते हैं शादिया है फलाना है फलाना है कराची की गोदी पे ग्रीन चैनल पे अनचेक फलाना पे उसमें निकल आती है बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। अभी तो ये बताया गया था कि इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे बॉर्डर्स पे ईरान के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी पता नहीं क्या हुआ। पहली बात तो ये थी कि तजारत के बारे में अफगानिस्तान के साथ चूंकि हमारा पल्ला भारी है करोड़ों रुपये की तजारत हो सकती है इसमें हमारे फायदे में है पाकिस्तान के फायदे में कि नरमी हो। दूसरी बात अफगान महाजरीन की है अफगान महाजरीन दुनिया के महाजरीन के से अलहदा कोई बला नहीं है दुनिया में दुनिया जहान में अफ्रीका में हर जगह बर्बादी है अरबों में फलस्तीन इधर उधर हजारों लाखों की तादाद लोग भाग रहे हैं किसी मुल्क अब रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं किश्तियां उलट जाती हैं सर 400 500 1000 आदमी मर जाते हैं। तो अफगानिस्तान के लोगों को दुनिया के माजरीन से अलग तौर पर लेना ये ठीक नहीं लगता
इससे कुदरतें बढ़ती हैं, नफरतें बढ़ेंगी, उनका असर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तालुकात पे होगा। अफगान महाजिर महाजिर लफ्ज सारी दुनिया में रिफ्यूजी मीन्स रिफ्यूजी। यूएनएचसीआर एक महकमा है उस सारी दुनिया की, उसका आज तक किसी मुल्क ने आज तक इतनी बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारियां, फिर उनको मारा पीटना, उनकी तलाशियां लेना, उनके जो पैसे मैसे दरम्यान में होते हैं, आप देखते हैं, मैं कम देखता हूँ, बूढ़े लोग बाबा में जा रहा था चमन के रास्ते, मेरे जेब में इतने पैसे थे ले लिए गए, मेरे साथ ये रवैया रखा गया। कल आज सुबह मैं अफगानिस्तान के मौलाना वजीर आजम को देख रहा था, बड़ी माकूल बात कर रहा था, वो कहता और हमारे मुतालबा भी ये है, वो आदमी जो कुछ कह रहा था वो उसका कहना ये था कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अफगान माजरीन के साथ तो हमारे साथ बात करें, अगर आप हम लोगों से कुछ नालायक किसी बात पे, उसकी उसका जोर या उसका इंतकाम या उसका वो अफगान माजरीन से न लें। मजमूई तौर पे अफगान माजरीन के नाम पे सारे सिंध में, सारे पंजाब में, हर जगह हमारे इलाके के अक्सर लोग पहाड़ी लोग हैं, सिवाय उन इलाकों के जिनके पंजाब से बॉर्डर्स हैं जो बोल सकते हैं, बाकी हमारे तो नाशिक से, ये तो काकड़ी, ये जो इधर लोग हैं, इनको किसी को उर्दू नहीं आती। उनको जब रोका जाता है लाहौर में, जब उनको रोका जाता है कराची में, उसको उर्दू अच्छी तरह नहीं आती। उस दरमियान वो भी अफगान माजरीन समझ कर ये कोई बता रहा था, मैं ढूंढ रहा हूँ, ये कोई बता रहा था कि हमारे अपने इलाके के एक आदमी को शनाख्ती कार्ड, बाप का शनाख्ती कार्ड, माँ का शनाख्ती कार्ड होते हुए अफगानिस्तान वो कर दिया, पार्सल कर दिया कि तुम्हारे पास ये रवैया ठीक नहीं है। अफगानिस्तान का बॉर्डर हमें दुख होता है, डिवर लाइन खींची गई थी 1893 में, किस तरह खींची गई थी तारीख का मसला है, कैसे हुआ था, फिर कैसे 1893 को खींची गई थी गंडमक के वायदे के नतीजे में। गंडमक का वायदा 1879 में हुआ था, 1879 एक शिकस्त खोरदा बाप के एक कमजोर बादशाह को मजबूर करके उससे ये मुआहिदा चुकाया गया था। बहरहाल ये टुकड़ा जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ का हिस्सा बना, 1893 से लेकर 1970-80 तक अंग्रेजों के दौर में हजारों नहीं शायद लाखों की तादाद में वहां के लोग बगैर पासपोर्ट के, बगैर उसके जिसको हम पवंदा कहते हैं, असल में बुनियादी तौर पे तमाम पश्तून बलोच ये पवंदा मीन्स गर्मी में कहीं और सर्दियों में कहीं जाते थे, इन सबको जायदान से लेकर ऊपर खैबर तक हम इनको पश्तों में दोखोरा कहते थे, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा भी आया है डूल देश का। ड्यूरल लाइन ऐसी खींची गई है जिसमें कबीले क्या घर तकसीम हुए हैं, कब्रिस्तान उधर, गांव इधर, मस्जिद उधर, गांव इधर। ये आमद और रफ्त 1893 से लेकर ये आदमी नासर अजीब खान नासर, नासर सुलेमान खेल, खरोट, तरक्की, अचकजई, बड़ेज, खेल, ये सारे कबाइल, अगर आप बड़े शमारा वो है या बाशिंदा है बड़े से कबीला, बड़े से कबीले की तमाम पाकिस्तान में शायद 2000-5000 में इतिहास करता हूँ 10,000 एकड़ जमीन, वहां मीलों पे उनका वतन है, इनका क्या करेंगे?
यही हाल ऊपर जाके हमारे बलूच प्राइवेट भाइयों का है, आधी आधे से ज्यादा उधर जमीन है, जिंदगी है। फिर आगे आए ब्रेज के साथ, फिर चकजे की मुख्तलिफ कबाइल हैं, शिमसोजा ये कबीला है, सारा का सारा यहाँ का नेशनल है, यहाँ काम करते हैं। वो मुश्किल उनकी पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा कोई 5,000 एकड़ जमीन हो, वहाँ 18 मील जमीन है, यहाँ से क्यों 18 मील वो उनका आखिरी हुए पतेगा का कुआं या उनकी जमीन है, फिर साथ रबीजाई एक सेक्शन है, इनकी यहाँ मुश्किल से कुछ जमीन होगी 1,000-2,000-5,000 एकड़, वहां मीलों से फिर इस तरफ से आइए हमारे सलाउद्दीन नाजिम, ये सलाउद्दीन नाजिम बैठा है रबीजाई है, इनकी मीलों जमीन वहां। इस किस्म की पता नहीं क्या लोगों को सूझा है, क्या कर रहे हैं। 1893 से लेकर 1970 तक हजारों की तादाद में लोग अपने ऊंटों बेड़ों बकरियों समेत, शायद असला भी होता था, कोई चाकू कोई खंजर कोई तलवार कोई बंदूक, ये सब पार्टी पे रजिस्टर होते थे, वो आते थे पश्तों में बाला इलाके को परासान कहते हैं, दमन हमार हमार जमीन को दामान कहते हैं। तो बिल्कुल उनका बिल्कुल पैदाइशी हक हजारों साल से तमाम दुनिया ने माना था कि वो जमिस्तान में जब अफगानिस्तान में बर्फ पड़ती थी तो सारे लोगों को इजाजत थी, ये दामान ये नहीं कि खाली यहाँ तक बल्कि हिंदुस्तान के दामों तक वो अपने ले जाते थे। फिर जमिस्तान में जब वहाँ गर्मी हो जाती तीसरी के मैदानों में हिंदुस्तान के मैदानों में उनको इजाजत थी, वो अपने पहाड़ों की तरफ वो काबुल सियाबंदम कहते थे वहां तक जाते थे। हमारे अपने कबीले के लोग अचकजई के तमाम सेक्शन की तो वहां अचकजे में भी जमीन है, नीचे उधर भी है अफगानिस्तान की दामा में, उनको इजाजत थी कि वो जब यहाँ गर्मी शुरू हो जाती थी चढ़ते थे पहाड़ों में दबिस्तान वहां गुजारते थे, फिर जब जमिस्तान शुरू होता था सर्दियां शुरू होती थी सब नीचे चले जाते थे। आप जब गोंदक में दाखिल होते हैं तो तकरीबन सड़क के एक तरफ और दूसरी तरफ नूरजई और अचकजई इनकी जमीन चलती है पता नहीं कहाँ तक। अभी पता नहीं कहाँ लोगों को ये सूझी है कि हम यहाँ पता नहीं क्या शुरू करना है, समझ नहीं पड़ती। कम से कम लोगों को इत्मीनान में लाना चाहिए, ये जो वहाँ शुरू है डेवलप कहते हैं जो चमन में धरना, ये धरने अगर उनको सही चेकअप ना किया गया, मैं हम उस मुल्क के इंतहाई कानून पसंद कह रही हैं अफगानिस्तान के साथ खैबर पश्तूनख्वा के आखिरी सिरे पे रनी कोतल और ये जो नाम तोरखम से लेके यहां तक कमरदीन तक हमारे इन अफगानिस्तान में तकरीबन 8-9 बनते हैं जिनसे फायदा उठाया जा सकता है। कमरदीन सीधा गजनी जाता है, साथ काकड़ इलाके में भी कस्टम हाउस बन गया है, बादिनी पे कस्टम हाउस बना है तो बादिनी से सीधा मारूफ कंधार की तरफ, तो बादशाहगंज में कदनी में बिल्कुल 2 घंटे के फासले पे आप अफगानिस्तान से कनेक्ट करके पश्चिम में उतार सकते हैं माल। फिर आपका गोलक वो है पिन गोलक चमन है, उसके बाद आता है यहाँ शोरावक में बड़े शिविरों के साथ दरे पे रास्ता है, फिर जाके आगे आप ऊपर खैबर से जब आप निकलते हैं तो फिर गुलाम खान एक इनलेट है, वजीर सीधा जा सकता है। वाणा के इस तरफ भी वजीर है, उस तरफ बिरमल वही कबीला वही लोग और बहुत बड़ा जंगल है चंगोजे का, वहां से लोग एक कमेटी बनी थी मेरे ख्याल में जो हम पार्लियामेंट में थे, उस कमेटी की चेयरमैनशिप वो कर रहे थे वसीम सजा, उसके साथ
کو شاہد حسین اس بات پہ بنی تھی تو مشاہد کمیٹی سجاد حسین کی جو کمیٹی تھی پھر مشاہد اس کو سربراہ بنے تھے اس کمیٹی کی ساری سفارشات یہ تھی کہ ڈرگس کو چھوڑ کے اسلحے کو چھوڑ کے یہ تجارت ہے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ابھی اس بحرانی حالت میں جب کہ آٹے کی بوری پتہ نہیں 14,000 سے بھی چلی گئی ہے, اس بحرانی حالت میں آپ سے ہزاروں لوگ صرف یہ مانگتے ہیں کہ بابا مجھے جانے دو قندھار تک, ایک چمن سے شاید روزانہ بیس ہزار سے لے کر 25,000 لوگ, اس میں عورتیں بھی ہوتی تھی چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے, قندھار سے جاتے تھے وہاں سے ایک گروس دو سگریٹ اٹھائے یا بیچ لیے, یہاں سے بھی کا ایک ڈبہ 1,000-2,000 روپے بن جاتے تھے. پاکستان کی اس بحرانی حالت میں سارا علاقہ آپ کے بوجھ نہیں تھا. خیبر میں یہ تعداد شاید 80,000 سے 1,00,000 لوگ جلال آباد تک جاتے ہیں آتے ہیں اور بالکل پاکستان کی ان سے علیحدہ اپنی زندگی اپنے آپ کو پال رہے ہیں لوگوں کو. اگر ان راستوں پہ لوگوں کو تجارت کرنے دیں ہمارے لیے, ہمارے اقتصادیات کے لیے بہت فائدہ ہوگا, لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے آپ کو خود پالیں گے. خطرناک چیزیں بالکل, اگر کوئی اسلحہ لاتا ہے آپ کے پاس, معافی چاہتا ہوں بعض حیوانوں کے نام لینا پشتوں میں ٹھیک نہیں ہوتا, یا آپ کے پاس شیر کتے ہیں, اگر کوئی وہاں سے ٹرک آتا ہے یا سے کچھ جاتا ہے چیک کیجیے, اگر کوئی اسلحہ لاتا ہے, کوئی خاصہ افیم لاتا ہے, چس لاتا ہے, ہیروئن لاتا ہے, جو بھی آپ, لیکن لوگوں کو اس طرح پابند کرنا, لوگوں کو اس طرح تنگ کرنا ان حالات میں جب کہ ہمیں دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے, یہ ہم اس کو وہ کر رہے ہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں لگتا. اور کیا بولے, جنگ عظیم میں جب اتحادیوں کو یہ خطرہ ہوا کہ روس شاید اس طرف سے حملہ کر کے آ جائے اور ہندوستان میں حملہ کرے, بھی انگریزوں نے بائر مائر نہیں لگایا بلکہ پہاڑوں کے مورچے بنائے. اس وقت بھی لوگوں کا آنا جانا بالکل آزاد تھا. ابھی پتہ نہیں امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا یا ہم نے امریکہ کو دھوکہ دیا, ہم نے جا کے اپنے وزیرستان میں یہ تماشے شروع کر دیے. وزیرستان یا ہمارا ٹرائبل ایریا آئینی طور پہ سیاست بہت نازک کھیل ہے, بڑے بڑے تجربہ کار صحافی بیٹھے ہیں, سیاست بہت نازک کھیل ہے. آپ انڈیپینڈنٹ ایکٹ پڑھ لیں, انڈیپینڈنٹ ایکٹ کے ایک آرٹیکل تیسرا ہے یا دوسرا, اس میں پاکستان کے حدود بتائے گئے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا تجربہ کار جرنلسٹ سے کہ اس پہ لکھیں, پڑھیں, سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں. اس میں لکھا ہے کہ پاکستان ان علاقوں پہ وہ شامل ہوگا, بنگال, پنجاب, سندھ, اس وقت کی این ڈبلیو ایف پی اینڈ برٹش بلوچستان, یہ حدود بتائے گئے انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں. آرٹیکل نمبر 2 ہے, میں بول رہا ہوں, یا تیسرے کا پہلا جز ہے کہ پاکستان ان علاقوں پہ مشتمل ہوگا. میں پھر دہراتا ہوں, بنگال, پنجاب, مین پنجاب صوبہ, سندھ صوبہ, این ڈبلیو ایف پی اینڈ برٹش بلوچستان, دو علاقے اس میں ہے ہی نہیں ہمارے بلوچستان کے, سارے سارے کے سارے خاران, مکران, لسبیلا, جل مکسی, کلا, یہ نہیں ہے اور این ڈبلیو ایف پی نہیں ہے, یہ مطلب پارٹ آف پاکستان. 48 میں اچھا ہوا کس طرح خالد خیال کو کنوینس کیا گیا یا جو بھی تھا, 48 میں بلوچ قبائلی جرگے نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. پاکستان کے صرف 2 آرٹیکل اٹھے تھے اس پہ,
tribal areas pe la munte, ec 46, ec 47. 46 me ye bataya gaya tha ki ye ilaqe Pakistan hai aur kuch woh ilaqe jo baad mein Pakistan banenge ye 46 hai 47 jo article hai uska martini ye hai ki Pakistan ke parliament ka koi kanoon tribal area ke lagu nahi hoga koi kanoon parliament ka banaya hua wala lagu nahi hoga वो 1946 में जब अंग्रेज जा रहा था लॉर्ड वेवल ने लंडीकोटल जर्गे में कबाइलियों से खिताब करते हुए उसके अल्फाज हैं कि बरसरीर में जो कुछ हो रहा है दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर इंडिपेंडेंस बरसरीर में जो कुछ हो रहा है उसका आपकी आजादी से कोई ताल्लुक नहीं है आप जब रोमेनियंस बन जाएंगे उससे अपना मुआयना आप कर लेंगे हमें पता नहीं किसने कही मैं मंदिर में बैठा हूं ये आया सादिक जो भी आए थे नहीं दौरे पे था ये स्पीकर था हमारे एजेंडे पे कुछ थी ट्राइबल लीडर इसके तरह कुछ नहीं था अचानक वो बोल उठा कि मैं फलाना करता हूं मैंने जब देखा फाटा के तमाम लोग उनसे कह दिया गया था या जो भी था फायब हो गए थे कि ये आर्टिकल 46 आर्टिकल 47 ये आज से आईन का ऐसा नहीं ये निकाला उसका आपने ये फायदा उठाया दुनिया बड़ी ये सियासत बड़ी नाजुक चीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर के लिए जो थोड़ा सा थोड़ी सी गुंजाइश रखी गई थी खुद मुख्तारी की वो इसके मुकाबले में बहुत कमजोर थी जिस दिन आपने ये कर दिया हिंदुस्तान ने एक हफ्ते बाद वो आर्टिकल निकाल दिया अब कश्मीर क्या जो भी आप कुछ करें आपकी इस गलती की वजह से आप ये काम आसानी से कर सकते थे तरीके से कर सकते थे आपने ये दो आर्टिकल फारिग किए और 46-47 पार्ट ऑफ पाकिस्तान फिर पता नहीं आपको आपकी किसने ये तजवीज दी और आप वजीरिस्तान में घुस गए अभी तक हम उसके बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है कल क्या हुआ था मैं रिपीट कल क्या हुआ था क्या हो रहा है इसमें अभी अभी भी गुंजाइश है खुदा के लिए पॉलिटिक्स या उसने लिखा है आपका दोस्त सिपाही देख सी किया सिपाही ने लिखा है तो ये उठ गई क्या है दोनों हमारे जज साहिबान और लीडर आजाद नोट कर लें हर जगह फौजी लोग लगाए जा रहे हैं और जजों को तारीख पर तारीख बढ़ाने और सियासी लोगों को वोट खरीदने पर लगा दिया ये जनरल साहिब वो तो चुप रहते हैं मगर अंदर अंदर सब की जड़ें काट रहे हैं अभी समझ नहीं आई तो फिर सब रोते फिरेंगे हम पता नहीं लोग सियासी कारकुन है कम से कम हमें हमारा जमीर मुतमईन है हमारी पार्टी बहुत छोटी सही छोटी नहीं है बड़ी पार्टी है हमारी पार्टी छोटी सही लेकिन हम अपने अल्लाह अपने पाकिस्तान के आवाम के सामने इसलिए सुखरू हैं कि अंग्रेज से लेकर अब तक न हमने कभी किसी जमीर का साथ दिया हमने हर वक्त मुसलमानों की मुखालिफत की और खान शील और सबद खान शिकजई हर वक्त अगर यूनिट बना भी वो कही रहे वही मुखालफत की हर गैर जमहूरी बात की हमें मुखालफत की है ये हमें पढ़ाया गया हम ये पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी समझते हैं मैं आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ टू यू कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें इंतखाबात का अपने ऐलान कर दिया दो इंतखाबात सबके मर्जी का नहीं करता दो इंतखाबात हुए पहला हुआ 1970 के इर्द गिर्द पाकिस्तान बड़ा मजबूत था और मुझे पता भी नहीं था कि कुछ ऐसे वाकयात खुदा ना खास्ता साथ होंगे इंतखाबात हुए शेख मुजीब ने सारे बंगाल स्वीप किया
पंजाब और पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध पीपल्स पार्टी के उसमें आए, पश्तून बलूच इलाके में नेशनल पार्टी ने जीता। हमने हमसे भी फोर्सेज दोस्त भी उन्होंने इलेक्शन के नतीजों को मानने से इनकार किया। 23 मार्च को हम लोगों ने मार्शल लगाया, 16 दिसंबर को हमारी तारीख का सबसे खतरनाक हादसा हुआ, 9 महीने पूरे नहीं हुए। मारदार लोगों के मारने से खरीदने से काम नहीं बनता, हमारा मुख टूटा। दूसरी दफा जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में इंतखाबात हुए, धांधली मांधली हुई, कौमी इतिहाद बना, हमने रिजल्ट नहीं माने, मुर्दाबाद जिंदाबाद मार्शाला लगा भुट्टो वाली फांसी। अब के खुदा न खासा, अब के मैं रिफ्रेश करता हूं, अब के अगर वही पुरानी रविश इख्तियार रखी गई पता नहीं हमें क्या होगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं खदसे का पाकिस्तान कि बाबा जो जीतता है उसको जन्नत हो। ये फसली बटेरे, ये एवरग्रीन दरख्त, ये अगर कुछ अच्छे लोग होते मोहम्मद अली जिन्ना साहब के काम आते, अगर ये काम के लोग होते ये लेकर तरी साहब को संभालते, अगर ये काम के लोग होते गुलाम अहमद को संभालते, जनरल अयूब को संभालते, या को संभालते, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग फिर पीपल्स पार्टी फिर मुस्लिम लीग, ये वो परिंदे हैं कि जहां बैठ जाते हैं वो खंडर बन जाता है, जहां बैठते हैं वो खंडर बन जाता है। इनको छोड़िए, आए पाकिस्तान को बचाए। जब से ये हालात हुए हैं हमने बार बार ये बात की है, खुदा के लिए मुल्क बहरानों में है, उन्होंने इसका मुल्क बुलाए, इसमें मिलिट्री वाले भी हों, जजेस भी हों, जर्नलिस्ट भी हों, पढ़े लिखे लोग भी हों, दानिश्वर भी हों, ताजर भी हों, मईशत के माहरीन भी हों, हम इसके बैठ के निकाल देंगे। दुनिया ने किया, ये मुमकिन काम है। पुरानी हालत में लोगों ने अपने मुल्कों को बचाया, जापान और जर्मनी को दूसरी जंग आजम के बाद एक जंग दूसरी जंग, दुनिया जंग की पाबंदियां रूल लगाई, सारे मुल्क उनके बर्बाद हुए, एक टम्बम गिरे उनके, लेकिन इंसान थे उन्होंने बिस्मिल्लाह किया। जापान कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, हम भी इंसान हैं, हम भी कर सकते हैं। पर बात यह है कि हमने अपनी पुरानी रविश बदलनी होगी। दुनिया की तर्ज पे हमने एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील करनी होगी। एक जमहूरी पाकिस्तान, बिल्कुल माफी चाहता हूँ, लोग इसको बुरा मान लेंगे या खुदा खास्ता कमी की उम्मीद करेंगे, पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान एक कमरा है, पश्तो में हम मंडव कहते हैं वो कमरे, उसमें इस कमरे को हम सब जानते हैं कि इसकी दीवारों को छूनी सुराख सुराख करके बर्बाद कर दिया। हम सब समझते हैं कि शाती सारे इसको वही ना तो वही दीमक, हम सब समझते हैं कि इसको दीमक का इंतजार यही होगा, इंतजार नुकसानदेह एम पर गिर जाएगा। हमें इसकी तश्कील नौ करनी है, और तश्कील नौ वही है क्या इनके बालादस्ती वो होगी या हर इदारा आइन के दायरे में अपने उसमें होगा, मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। मैं क्या कहूँ, मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल सरकारी सरकारी फंड या सरकारी पैसे का आना बिल्कुल शीरे मदर की तरह जायज है, कि कहां से बनेगा। मैं तो वो जितने हम मकरूज हैं, मैं तो वो फिगर जहन ला नहीं सकता कि हम कितने मकरूज हैं, कितने हजार डॉलर बिलियन डॉलर, उसका बहुत तरीका ही है। तोबा करनी है, तोबा तो नुसू हम सब ने, सियासी ने, फलाना ने, अभी कल से आप देख रहे हैं हमारे पुराने साथी को तो क्या कह रहे हैं। पीडीएम समेत मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे उनसे अभी तक साथ हूं। हमने मसले पसंदी से काम लेकर इस मुल्क को बर्बादी की राह से बिठा दिया, मसले पसंदी
دستور کا علاج نہیں ہے ہمیں اوپن بات کرنی ہے آئین کو تسلیم کرنا ہے یا جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے محنت کرنی ہے بالکل یہ ملک بچ جائے گا چل جائے گا بہترین ملک ہے دنیا جہاں کی نعمتوں کا سے بڑا ملک ہے بڑے بڑے دریاؤں کا ملک ہے محنتی لوگوں کا ملک ہے یہ شکایت ہم سب لوگوں سے ہے زرداری صاحب سندھ کے رہنے والے ہیں میاں نواز شریف شہباز بھائی پنجاب کے رہنے والے ہیں یہ شکایت ہے کہ ہمارے لوگوں کو آخر کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے ہر صوبے میں پگڑی ایک جرم بن گیا ہے داڑھی ایک وہ بن گیا ہے جس کی پگڑی ہے جس کی داڑھی ہے پکڑو جیل میں ڈالو اس سے کیا ہوا اسے لینا کہا جاتا پشتون وہ لوگ ہیں معافی چاہتا ہوں یہ نہیں کہ میں نجات پرستی نہیں نجات پرستی کا میں مخالف ہوں پشتون وہ لوگ ہیں جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں چاہے بندوق کی جنگ ہو تشدد کی جنگ ہو اوزن تشدد کی جنگ ہو مرد آباد زندہ باد کی جنگ ہو لیکن اس طرح ان کو اس طریقے سے یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں جائے گا فائدے میں نہیں جائے گا ٹریکٹر نہیں تھے بلڈوزر نہیں تھے پشتونوں نے ان ہاتھوں سے ہم پشتون خرکار کہتے عمر شاہ خرکار اور شن خان خرکار اور فلانا خرکار ساری نہریں ہم نے بنائی ساری سڑکیں ہم نے بنائی اس کے سلے میں بس ہمیں یہ دیا گیا کہ پشتون سودخور ہے اجرتی قاتل ہے ہیرو ان فروش ہے فلانا ہے فلانا ہے کوئی بھی مثبت نام نہیں ایسا بھی تو نہیں ہے تو اس سلسلے میں آئے تھے مہربانی کریں ہم سائن سے اچھے توقعات کی کوشش کریں نواز شریف کو شاید اس لیے بھی سزا دی گئی کہ تم ہم سائن سے اچھے توقعات کی بات کیوں کرتے ہو یورپ میں جتنا انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ایک دوسرے کو مارا جتنا روسیوں اور جرمنوں نے ایک دوسرے کو مارا جتنا اتحادی اور یورپ کے وہ سب کروڑوں کی ایک دوسرے کو مارنے کے باوجود اب ایک بن گئے ان کے درمیان کرنسی ایک ہو گئی سوائے انگلینڈ کے تمام یورپ نے کرنسی ایک کر دی اور پاسپورٹوں کے کاغذ ہم سب جاتے ہیں جرنلسٹ بھی جاتے ہیں یورپین وہ جدا ہوتا ہے یہ اتنا کاغذ ہوتا ہے پاسپورٹ پر جتا دیتے ہیں جی میں جرم ہوں تو کہاں جا رہا ہے بہترین دشمن کے پاس انگریز کہاں جا رہا ہے بہترین دشمن کے پاس جاپان کے پاس امریکہ نے بم گرایا ہے اس پہ میں پھر چاہتا ہوں جاپان پہ آج جاپان امریکہ کا سب سے بہت پکا اتحادی ہے پھر ہم نے کیا قسم کا رکھی ہے کہ ہم نے ہمسایوں سے نہیں بنائی پھر بنی تھینک یو خان صاحب آپ نے بڑا محتاط قسم کا لہجہ استعمال کیا ہے کوئی سخت بات نہیں کی ہے کیا یہ انتخابات آنے سے پہلے کی مصلحت پسندی ہے انتخابات آپ کا نام دانیال بٹ دانیال بھائی معافی چاہتا ہوں اگر میری بات کوئی مانتا میں اپنی پارٹی سے کہتا کہ کبھی بھی ہم الیکشن نہیں لڑیں ہم نے اپنی وطن کو ایک اتحاد کی طرف لے جانا کیا الیکشن دو سال وزیر اعظم تیسرے سال اس کو کھڑیا لگاؤ الٹا لٹکاؤ گالیاں دو پیٹو یہ کیا جمہوریت اس کا کیا مزہ ہے مسلط پسندی زندگی میں نہ کی ہے انشاءاللہ اور نہ آئندہ کریں گے الیکشن کیا بنا ہوتا ہے پھر پاکستان کے الیکشن اگر آپ چار الیکشن تین کے الیکشن کرا دیتے اور ایمانداری ہم ایک ملک بن جاتے 75 سال میں دانیال بھائی 75 سال میں کم سے کم ہم اقتدار میں نہیں رہے آپ نے پاکستانی قوم تکشیل نہیں دی آپ ایک پاکستانی قوم یا پاکستانی ملت تشکیل کرنے میں ناکام رہے 75 سال میں کیا 75 سال اور لوگ انتظار کریں گے آپ خان صاحب آپ پیڈیم کا حصہ ہو اور آپ نے بھی ذکر کے کہ میں ابھی تک ہوں کہ اس پیڈیم نے عمران خان حکومت کے خاتمے کے لیے اور نواز شریف کے آنے کے لیے راموار کے پشتونوں کو ساتھ دیا لیکن اس وقت پشتونوں کی جو مشکلات ہیں پی ڈی ایم کی جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں وہ خاموش ہیں ظاہر خان ناصر ظاہر خان
बड़ी बात है पीडीएम के साथ ही मेरे साथी हैं। मैं इस गुनाह बेलिजत में शरीक नहीं था, मैंने अपनी वसात के मुताबिक ठीक है चीख शीख यानी मैंने अपनी वसात के मुताबिक सबको खा के खाई भी गिर रहे हो बाजी का लड़काने की मुझे याद है लड़काने की पीडीएम के जलसे में और पाकिस्तान के उसने जलसे मैंने उनको कहा था कि कहीं कराची कि कहीं इमरान की इमरान की दुश्मनी तुमको किसी और तरफ इमरान वाला मुल्क का रहने वाला है उसकी दुश्मनी में यहाँ तक जाना अपने ठीक कहा। पीडीएम से लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे, पीडीएम का इंतहा जमहूरी प्रोग्राम था, आगे मैं कुछ नहीं कहता। खान साहब नवाज शरीफ मुल्क आ चुके हैं, क्या तजवीज दोगे आप? नवाज शरीफ मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ को शायद तारीख इसलिए माफ कर दे कि वो जिस तरह के पाकिस्तान में लोग पॉलिटिक्स में लाए जाते हैं फिर उनकी परवरिश होती है फलाना फलाना, एक पंजाब के हो शहरी होने के नाते लेकिन एक जमहूरी पंजाबी की हैसियत से नवाज शरीफ को तजर्बे में ये एहसास हुआ कि हमारी फौज का ये रवैया पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। बगावतें होंगी, पश्तून बलोच सिंधी सब नाराज हैं, एक बहादुर पाकिस्तानी जमहूरी आदमी की हैसियत से वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आया कि वो आइन के साथ खड़ा रहा। मैंने बड़ी कोशिश की है फसाद के मुताबिक जो जमहूरी पार्टियां थी कि खुदा के लिए मेहरबानी करें आइन का साथ दें। नवाज शरीफ के मुखालिफ थे, नवाज शरीफ आया आए थे मेरे बड़े अकाबरी उनके साथ थे, जी दिए था क्या था वो आए थे हमारी वायद पार्टी थी जिसने उनका इस्तेमाल करने के लिए किया पार्लियामेंट में यहाँ सारे हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग उनके साथ शामिल थे। हमारी वसत के मुताबिक हमारे कारकुनों ने सियाचिन में उनसे इस्तेमाल किया और फिर जब नवाज शरीफ ने जमहूरी रास्ता अपनाया वायद पुश्तूनख्वा मिनोरिटी पार्टी थी हमने उनका आखिर तक साथ दिया। अब भी अगर नवाज शरीफ उसी राह पे चलेंगे जो उन्होंने अपनाई थी एक जमहूरी पाकिस्तान होगा पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी आईन के तहत डिफाइन किए गए हर इदारा अपनी उस पर रहेगा कोई साथ दे या ना दे कुछ सुखा मिल रहा है साथ दे। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के साथ पंजाब की मैं आपके इत्यादि आपने खुद कहा था उसकी तरफ से बहुत ज्यादा कुल रिस्पांस है इस वक्त जो सूरत हाल की कि अफगानिस्तान के अहम शख्सियत ने आज स्टेटमेंट दिया जबकि फैसला 3 अक्टूबर को हुआ यानी एक महीने से भी ज्यादा वक्त गुजरा है, क्या आप ये नहीं समझते कि ये जो अफगान माजरीन जो बकौल के इन निगल लोग हैं अफगान माजरीन के अफगान माजरीन का मसला इस गुंडे अंदाज में हल नहीं हो सकता। अफगान माजरीन के मसले की चाबी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल महाजरीन के सब दुनिया के उसके जिम्मेवार यूएनएचसीआर उनके अकाबरीन अफगान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत आप भेजना चाहते हैं लोगों को इस तरीके से तो नहीं होगा। उन लाखों की तादाद में वो रजिस्टर है यूनिसीआर के साथ फिर मरले मरले में लोग आए हैं हमारे जो पवंदा पश्तून थे हम आते जाते थे वो तकरीबन सारे के सारे पाकिस्तान के शहरी बन चुके हैं। पंजाब में एक अंदाजे के मुताबिक हमारे जो पवंदा पश्तून इलाके थे जिनको हम खुरासानी कहते थे वो पंजाब में रहते हैं अपना वो कल्चर भी महफूज रखा हुआ है और जहां रहते हैं वो जुबानें बिल्कुल फर फर बोलते हैं जो भी जुबानें हैं सब पंजाबी हो या पंजाबी की गुजराती हो फलाना वो बोलते हैं वो बन गए हैं वहाँ के। फिर यहाँ से मरलेवार लोग आए हैं ये दुनिया का कानून है कि जहाँ लड़ाइयाँ होंगी लोग भागेंगे सारा सोमालिया भाग जाए
ये रूबी अली खाना हुआ सुल्तान पता नहीं कहाँ चला गया शाम के लोग कहाँ गए सारी दुनिया में ये प्रॉब्लम है लेकिन इस अंदाज में जो कुछ किया जा रहा है इसकी जरूरत ये तरीका नहीं है बिल्कुल हमारे जो हुक्मरान जो भी हैं यहाँ अफगानिस्तान के नुमाइंदे हमने उनको तस्लीम किया नहीं है लेकिन नुमाइंदे बैठे हैं वहाँ एक आप इंटरिम हुकूमत समझते हैं उनसे बात करें बुलाएं बेजिंग शी को ये केवल जिसको पकड़ा डालो पुलिस में लूटमार का बाजार गर्म हर जगह 10-20 आदमी को पकड़ो 5,000 रुपए ले लो जिंदाबाद दो 1,00,000 रुपए एक रात का ये बड़ा वो बड़ा अच्छा कारोबार है न टाइम जाया होता है ना कुछ होता है मुझे किसी ने कहा फलाने आदमी से कहा गया कि मुझे 2,000 आदमी अपने देने और अजरिंग के रास्ता कि मैं भेजू इसका उस बड़ा खतरनाक नतीजा होगा हम एक लोग हैं हजारों लोग हजारों अफगान मेहनत मजदूरी के लिए ईरान जाते हैं वहां से गुजारे वाले की मजदूरी है से बाप माँ वो करते हैं 3-4-5 महीने आते हैं अपने घर से यहाँ दुखी में दुखे ही संजावे ये तो जो हमारे कोयले के काम है यहाँ आपके पास कम अज कम हजारों अफगान मजदूर आते हैं अभी इनको निकालने से फायदा क्या होगा आपके पास इतने मजदूर हैं उनको तंग करना उनको पकड़ना दुखी में हम गए थे पता नहीं कौन ये बंसरी बजा रहा है और किस लिए कर रहा है दुख की बिल्कुल हमारे जितने भी वो हैं सारे आपके अफगानिस्तान के लोग आते हैं 3-4 महीने गुजारा करके बच्चों को पालते हैं इनको तो आपको खुशामदीद कहना चाहिए था वो देना चाहिए था कि बिस्मिल्लाह आइए नाम क्या है फलाना ये मेरा वीजा नंबर है पता नहीं कौन क्या कर रहा है आई डोंट नो और बर्बादी का रास्ता अभी हम गए थे बिल्कुल दुखी के बाजार खाली थे मैंने कहा क्या हालत है कि भाई वो जो भी पकड़ा जाता है तुम अफगानिस्तान के हो तुम रोजगार के हो तुम मारूफ के हो तुम फलाना के हो हमारे अपने बच्चे हैं आपकी 18 साल के तोबा शेख रही तोबा का कड़ी हमारे भाई के 18, 16, 17 साल के बच्चे कोयले के लिए जाते हैं रोटी का दरक नहीं है रोटी मिल नहीं रही है और लोग कहते हैं बाबा रास्ता खोल मैं जाऊंगा वहां से एक टायर ले आऊंगा या एक स्टेप रिकॉर्डर ले आऊंगा फलाना यहाँ से एक चिम घी ले जाऊंगा 2,000 रुपये मेरे खानदान के लिए काफी आप कौन क्या कर रहा है ये बढ़ेंगी ये नुकसान होगा इस मुल्क का हुकूमत के बकौल ये गैर कानूनी है लेकिन उनके जाने पर उनकी जायदाद उनके लीडर पर भी पाबंदी लगा दी गई उनके लिए और भी मसाइल हैं कि वो 50,000 से ज्यादा पैसे नहीं ले जा सकते तो आप क्या समझते हैं कि किस किस्म का एजेंडा है हुकूमत का हुकूमत क्या फायदा उसे हासिल करना चाहती है या कोई बैरूनी मुल्क का एजेंडा है बस ये मेरे भाई हमारे ये बलूच भाई मैं यहाँ गंगोचर से लेकर लसबेले था जितने भी हमारी जिम्मेदारियां हैं मालिक घर पे बैठा है उसको 30 लाख 25 लाख मिलता है यही लोग मेहनत करते हैं इनको निकाल के पता नहीं आप लोग और फिर निकाल देंगे आप क्यों दुनिया का कानून ये है दुनिया का कानून ये है और पाकिस्तान हमारी कॉलोनी थी हम कानून थे अंग्रेजों के जो बच्चा अभी यहाँ आप इनको कैसे वो कर लेंगे आपके यहाँ लाखों लोग हजारों में लाखों लोग आपके मुल्क में पैदा हुए हैं यहाँ उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली है उर्दू अंग्रेजी आपका करिकुलम पढ़ा है इसको आप किस किस काफी में डालेंगे उसका बाप यहाँ 20 साल रहा उसने उर्दू सीख ली है सिंधी सीख ली है फलाना सीख ली दुनिया का कानून ये है कि अगर आप किसी मुल्क में जाते हैं 4-5 साल तक गुजारी की वहां जुबान बोल लेते हैं आपको बैंक अकाउंट खोलने का अख्तियार है आपको बच्चे स्कूल में जाएंगे और आप 5-8-10 साल में वहां की नेशनलिटी ले लेंगे हमारे पाकिस्तानी दुनिया के अगर तमाम लोगों मुल्कों के हम पाकिस्तानियों को जमा करें लाखों पाकिस्तानी डुअल नेशनल है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान इंग्लैंड पाकिस्तान जर्मनी पाकिस्तान इटली पाकिस्तान तुर्की पाकिस्तान फलाना पाकिस्तान
क्या आसमान गिरता किया कि लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान ढूंढने शुरू होते, कौन सा आसमान गिरेगा? या वो रहे हैं बेपकड़ो, खतरनाक रास्ता है ये, मानी का भी नहीं उसकी जिम्मेवारियां। वे अपील, हम अपील करते हैं जिनेवा में जो इंडिया के वो लोग हैं उनसे, उनके की सेक्रेटरी से, कि फिर आपका इदारा किस लिए बैठा, किस लिए बैठा? यहाँ आए थे, मैं उस शिविर में नहीं जाता कि हम कैसे उनको लाए और फिर हम क्या क्या मुजाहिदीन आजम और मुजाहिदीन इस्लाम पता नहीं क्या हम करते रहे। अब उन्होंने कहा ऐसा एक गुनाह कर दिया कि पकड़ो भेजो, मैं हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि ये नफरतें बढ़ेगी और नफरतें जो बढ़ती हैं फिर कदूर होते हैं नफरतें, फिर मुश्किल। अगर कोई मुश्किल है आपकी, अफगानिस्तान का जो आदमी बोल रहा था अफाज के ये थे पश्तों में थे, कि अगर आपकी कोई मुश्किल है हमारे साथ हमसे बात करें, हमारे कुछ वजह से वहाँ अपने मुल्क में इन लोगों को मैंने अब पहले फलसगा से भी कहा था, मुझे मैं खान मेजो को खुला जरा नसीब करी, मैंने उससे पूछा सरदार साहब आपकी जमींदारी की हालत कैसी है, और तो जमीनें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हैं। उन्होंने कहा कि महमूद जान वो सामने वाला पहाड़ उसमें चश्मा निकलता है इतने कि उसकी पानी, जब आपके दोस्त नहीं आए थे, आपके अजीज उनके अल्फाज थे, आपके अजीज नहीं आए थे, मुझे उस चश्मे से कुल 35 बोरी 40 बोरी गंदम मिलती है, अब कोई 450 बोरी गंदम मिलती है, 450। अभी वहाँ वो रहे हैं, उन्होंने रिश्ते किए हैं, अब तो ये था फिर हमारी कमेटी बनी थी नवाज शरीफ की हुकूमत में, मेरे ख्याल इमरान खान के साथी थे, हमारे साथी एम क्यू एम भी थे, हमारे एम पी सब थे उसमें। उस वक्त हम लोगों ने फैसला किया था कि जो अफगान यहाँ पैदा हुआ तो है ही नेशनल, बल्कि मियाँ साहब को शहरियात हो। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें क्या मसला है, अगर कोई अजी यहाँ 20 साल रहा है और वो यहाँ रहना चाहता है तो इसमें मुश्किल क्या है? क्यों पाकिस्तान में इस वक्त अफगानों को छोड़ के पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलफ कौमियतों के लाखों तो नहीं हजारों माजरी मौजूद, किसी को नहीं पकड़ा गया, किसी को नहीं भेजा जा रहा। हम बस यही कह सकते हैं, हमारे क्या हम यही कह सकते नेचुरल को अगर अपने निकालना है अफगानों को मन से बात करें, सीआरएस में इन्वॉल्व हो, बात करें इधर जिनेवा में जहाँ भी हो। इस अच्छा रेडियो आप देख रहे हैं दुनिया के रेडियो गाली गलूच, उसका मैं माफी चाहता हूँ, रिपीट नहीं कर सकता है, मौलाना पश्तून आदमी था वो शेर गालियों के शेर मतलब उसके ऐसे तेरी बीवी ऐसी, फिर सारी शेर और शायरी में गालियां एक दूसरे को देना, ये तो किसी मजबूरी से होता है। खलन जाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे चमन जाएंगे। मैं तो पटना ये कहा था कि मुस्लिम पसंदी और इलेक्शन में तो अगर प्रिंस से डरता हूँ, अगर ये मेरी मान ली इलेक्शन में नहीं, हमने इलेक्शन है क्या? हमारी सारी बलूचिस्तान पश्तून बलूच झूठ मूठ सच की आबादी मिला के हमारी सारी आबादी पंजाब के एक जिले के बराबर, तो क्या खा इलेक्शन क्या? सारे बलूचिस्तान की हमारी आबादी पंजाब के एक जिले के बराबर, अगर सारे बलूचिस्तान की सीटें की पार्टी जीत जाए तो क्या होगा? सारी की सारी मैं जीत जाऊं क्या? मैं तो भविष्य में से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे बार बार कहा कि खुदा के लिए बलूचिस्तान की मुश्किल का कोई दूसरा हल नहीं है, आए हम बैठें और एक दूसरे को सियाल बराबर मानकर 50-50 सूबे को चलाएं, कहीं हमें मिल जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ अपने वोट करेंगे, अपनी सुबह असेंबली में अपनी हुकूमतें बनाएंगे, हमारे वसाइल यूरोप के मुल्कों से ज्यादा आ रहे हैं, बहुत बड़ी हमारी क्या आबादी है, क्या आबादी है? अगर सारे लोगों को आप 30,000 हर घर को तनख्वाह भी दे दें चल जाएगा। आए मतलब बेटे पश्तून बलूच भाई भाई हैं, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, या फिर हमें बस छोड़े, हमारा
یہ حل نہیں چلتا, یہ کھیل وہ نہیں ہوتا. بس آپ کی اپنی سرزمین, ہماری اپنی سرزمین کے لیے وہ کرنا پڑے گا. ہم خود بیٹھ کے اگر بگوش بھائی پشتون کے ساتھ بھائی بندی کا برابری کا جس کی بنیاد پہ وہ سندھ اور بلوچ ہو, سندھ اور پشاور اور پنجاب کے برابر صوبے کا اقدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے, تو بلوچ اور پشتون صوبے اگر برابری کی بنیاد پہ معاہدہ کر لیں, ہمیں کوئی سانپ نہیں ڈس سکے گا. ہم اس صوبے کو بہترین انداز میں چلائیں گے, نہ کوئی روٹی کا مسئلہ ہوگا, نہ کچھ فلانا مسئلہ ہوگا, نہ کچھ فلانا. ہمارے بلوچ بھائی پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے ہیں, مجبور ہیں. جی جناب, سر یہ بتائیں کہ سر میں ڈاکٹر نجیب اللہ شہید کے ساتھ بیٹھا تھا نیپال ہوٹل میں, چمچا چائے کا چمچا چائے پیے, اس پہ لکھا تھا میڈ ان پاکستان. میری تو یہ ایک ملک کے رہنے والے کی حیثیت سے یہ خواہش ہے. افغانستان وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ آپ کی تجارت ہمارے فائدے میں, آپ کی تجارت میں جان ہماری تجارت ہمارے فائدے میں. یہ معمولی باٹا کی چپلی سے لے کر جو کچھ کروڑوں ڈالر کا ہمارا وہ ہے, واحد ملک ہے جس سے تجارت پاکستان کے فائدے میں. ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے رویوں میں انتہائی مثبت اپروچ رکھنی چاہیے. افغان یہاں رہے ہیں, افغانوں کی نسل یہاں ہوئی ہے, وہ بڑے کام کے لوگ ہیں. افغان پش پیپل, کرکٹ انگریزوں کی کالونیوں کا گیم ہے. کرکٹ انگریزوں کی کالیوں کا کامن ویلتھ ان کا گیم ہے. افغانوں نے آپ سے سیکھا, آپ کو ہرایا. بڑے پشن لوگ ہیں. ایک دنیا میں کہیں بھی کوئی ملک وہ جو انگریزوں کا غلام نہ رہا ہو وہ کرکٹ نہیں کھیلتا. افغان یہاں چونکہ اپنی بربادی کی وجہ سے آئے, یہاں گلی کوچوں میں انہوں نے کرکٹ سیکھی, بڑے کام کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری. اور جب پچھلے بھی دفعہ کہہ چکا ہوں, جب تمام دنیا انگریزوں یا بلاؤں اٹلی والوں یا یورپ کے فرانس انگریزوں کے غلام تھی, بڑا ہندوستان بھی غلام تھا. ہم سب کے لیے دارالاسلام چاہیے یا دارالامن افغانستان. مولانا عبید اللہ سندھی بھی وہاں تھے, سبھاش چندر بوس بھی وہاں تھے, فلانا سکھ بھائی بھی وہاں تھا, فلانا ہندو بھائی بھی وہاں تھا. ہم یہاں سے جو ریشمی رومال والے افغانستان ہمارے لیے کبھی مشکل کا وہ کھان پون کا وہ نہیں رہا, ہمارے لیے وہ بہترین امن کی جگہ رہا. تب سو خبر بات کی, مطلب دنیا بڑی ظالم ہے, ہم نے بہت بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنے ہوں گے. یوکرین آپ نے دیکھے ہیں, خوبصورت لوگ, ان کی عورتیں, ان کے بچے روس کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک گلے میں ڈال دیا. تمام مردوں کی عورتیں چلی گئی, بچے چلے گئے, صرف وہ وطن کی دفاع میں کھڑے ہیں. یورپین دنیا نے اینٹی ٹینک اور اینٹی ہوائی جہاز ان کو سسٹم دے دیا ہے, تو روس آگے نہیں بڑھ سکتا. شاید میرا شک شاید روس نے مجبوراً پھر یہاں ماسک کھول دیا ہے, حماس کا
हमास को हमसायों ने काफी रैकेट लाके दिए और कन्वेंशनल वार गोरिल्ले लोग कन्वेंशनल वार नहीं करते कन्वेंशनल वार की ट्रेनिंग शायद उसने दी है वहाँ अपना कंधा जरा आराम के लिए यहाँ तमाशा करते हैं ये बस ठीक कहता है पर हमारा खासा हमें कोई किसी और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हमने बड़ी एहतियात से नमाज नहीं खोलना ना हमने अफगानों के साथ दुश्मनी का रवैया रखना है अफगान हमारे नेचुरल राइट्स हैं ठीक है तारीखी तौर पर उनका एक दावा होगा ये दावा चीन का हिंदुस्तान में है ये दावा हमारा कंट्रोल लैंड पे है हिंदुस्तान के साथ चीन और हिंदुस्तान नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में हिंद चीनी भाई भाई एक स्लोगन फिर गलती हुई और चीनी फौजी हिंदुस्तान में घुस आई बहुत सारे लोग मारे गए ये यहाँ हमारा कंट्रोल लाइन पे अफगानिस्तान के साथ भी हमारा कुछ है लेकिन वो इस तरह नहीं कि हम इसे दुश्मनी बना दें चीन और हिंदुस्तान अब भी करोड़ों की अरबों की तजारत करते हैं हम हिंदुस्तान के साथ गुजारा कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ भी हमारा रवैया भाईबंदी का होना चाहिए जो तारीखी मसाइल हैं वो हुकूमतों से हल नहीं होंगे वो हुकूमतों से हल होंगे वो आवाम हल करेंगे तारीखी तौर पर आवाम उन पर बहस करेंगे चाहिए तो ये था कि हम उस तरफ पढ़ते कि हमारे आवाम के दरमियान पासपोर्ट की जरूरत ही न पड़ती हम वहाँ जाते पंजाबी भंगड़ा डालते काबुल में वहाँ का रंगे कराने यहाँ के पंजाब में कृष्ण अर्पण करते हमें किसी की जुबान समझते हैं किसी की दोस्त हैं पता नहीं नजर लग गई है या कुछ ना कि बतंदेश लोग उन तलुकात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.